लगाते होंगे, नाइट के सेशन भी लगाते होंगे। समस्या हमारे समाज की है, अभी हमें ये करना होगा। दूसरा है कम लोगों की नहीं चिंता, दिल्ली सरकार में एमएलए हैं उससे ज्यादा लोग यहाँ पर बैठे हैं। बस खराब हो जाए तो धक्का लगाने के लिए कितने लोग उतरते हैं? बस खराब हो जाए तो 5 लोग 7 लोग जो धक्का लगाते हैं सारी बस चल पड़ती है। तो समाज की बस खराब है, धक्का लगाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं तो समाज की बस भी चलने वाली है, ये चिंता करने की कोई बात है, आपकी पहचान मिटानी है, आपको हिंदू
वो अपना इतिहास भूल जाता है, मेरा भाई कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, वो ये भूल जाता है। उनका आंदोलन बहुजनों की पहचान मिटाने के लिए, बहुजनों का इतिहास मिटाने के लिए, बहुजनों को बहुजन से अरबजन बनाने के लिए है। इसलिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। ये इतना खतरनाक है, जिस पर डिटेल पर कभी चर्चा हमारी और छोटी छोटी मीटिंग में करेंगे। अभी समय नहीं है तो मैं अपनी बात यही विराम करता हूँ। अभी पूरी दिल्ली की जो हमारी बस्तियां उसमें जाकर इन दोनों विषयों को शासक बनो, बहुजन समाज में शासक बनने की इच्छा चाहत पैदा करनी होगी। वो शासक बनने के लिए तैयार नहीं है समाज। शासक बनने के लिए तैयार होने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। शासक बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, जागरूक होना। समाज तैयार नहीं है, उसको शासक बनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और ये राम मंदिर का उत्तर जो समाज के बीच में हम जल्द तक ले जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और राष्ट्र के अध्यक्ष जी को माननीय कल्याण जी का आह्वान करता हूँ कि आज के इस विषय को पूर्ण करें।